विश्व युद्ध का काल, भुखमरी और तबाही से थी जनता बेहाल। धमाके की गूंज में गुम हो रही किलकारियां, चल रही हो मानो मौत के जश्न की तैयारियां। दूसरी ओर बापू ने युद्ध का नया यंत्र दिया है, सत्य और अहिंसा का अद्भुत मंत्र दिया है। अंततः हिंसा के हिमायती रहे जो, उनका मुल्क बर्बाद हुआ और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वतन अपना आजाद हुआ। और इस आजादी का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ आए एक ऐसे इंसान जो आज भी गांधी जी के मार्ग पर चल रहे हैं, अन्ना हजारे जी। आज अन्ना हजारे जी आ रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अन्ना हजारे जी से मिल सकती हूँ। अन्ना एक ऐसी व्यक्तित्व हैं भारत के, जो सचमुच भारत पुत्र मैं मानता हूँ या भारत पिता मानता हूँ, मतलब वो सब कुछ है, हर नाता उनमें मुझे दिखता है। और आज मैं उनको देख पाऊंगा और हम सब उनका आशीर्वाद ले पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि इतने बड़े आदमी हमारे सामने आएंगे, जो कि मेरे गांव पुनहाना में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। और आज वो आ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। वंदे हमारे जीवन में हमारे लिटिल चैंप्स के पूरे शो को बहुत ज़्यादा एनलाइटन करने जैसा है। अन्ना हजारे जी से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, वो बहुत बड़े समाज सेवक हैं। जब आए उनका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया, उनको हमने तिलक वगैरह लगाया, हमने इंडिपेंडेंस डे में सारे जहां से अच्छा गाया। सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं सिमी, ये गुलसिता हमारा। मैंने लता जी का गाया हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों गाया और उसमें अन्ना हजारे जी थोड़े से रो पड़े थे। ऐ मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैंने गाना गाया जब जीरो दिया मेरे भारत ने, शो में तशरीफ लाए और उन्होंने अपना ज्ञान हम लोगों को बांटा। वो आज हमारे देश का एक जुनून बन चुके हैं हमारे लिए, हम सब के लिए, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो मैंने अन्ना हजारे जी से सबने क्वेश्चन पूछे और मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा कि अन्ना हजारे जी ये बताइए कि अगर मुझे आपकी तरह बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि एक त्याग करना पड़ेगा, निष्कलंक का जीवन और बाकी पता नहीं कौन कैलाश जी की तरह शुद्ध हिंदी बोले तो मुझे नहीं पता। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप मेरे दादाजी से देखते हो और आपको कुछ पोता नहीं है क्या। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरे आप ही मेरे पोते हो और मेरे लिए बहुत मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात बता के गए और वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अन्ना जी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत बड़े इंसान है और वो करप्शन को हटाते हैं, तो हमें भी उन्होंने ये सीख दी कि तुम्हें भी ऐसे ही एक दिन अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इस शो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी बच्चे को प्रेशर नहीं था कि हम एलिमिनेट हो जाएंगे या एलिमिनेशन हो जाएगा। सारे बच्चे एकदम रिलैक्स मूड में परफॉर्म किया सारे बच्चों ने और इतना उम्दा परफॉर्म किया, ऐसा लग रहा था कि ये कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, ये एक उत्सव चल रहा है।
बच्चों ने जो गाने गाए हैं वो देश के प्रति, समाज को प्रेरणादायी गीत, राष्ट्रभक्ति के बड़े गीत, राष्ट्र की भक्ति जगाने वाले गीत गाए सभी बच्चों ने, और वो अप्रतिम गीत गाए, तो मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। चलो सबसे आगे।